सिद्धार्थनगर जिले में वार्षिक निरीक्षण करने जिले में पहुंचे डीआईजी आर.के. भारद्वाज। इस दौरान उन्होंने सदर थाने का निरीक्षण किया, थाना परिसर के ऑफिस फाइलों, मालखाना, शस्त्र, बैरकों इत्यादि का निरीक्षण किया। इस दौरान कमियों को लेकर डीआईजी द्वारा सभी को दिशा निर्देश दिया। इस दौरान जिले के एसपी अमित कुमार आनंद, एएसपी सिद्धार्थ, सीओ अखिलेश वर्मा समेत सदर थाने के समस्त पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान डीआईजी आर.के. भारद्वाज ने कहा कि हर वर्ष दो थानों का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है, जिसमें ऑफिस, मालखाना, कागजातों सभी का निरीक्षण किया जाता है। और इस निरीक्षण का उद्देश्य यह है कि थानों की चीजों को समय से सही कर लिया जाए। क्या कमियां मिली? ये हमारा एक वार्षिक इंस्पेक्शन होता है। हमें रेंज पे प्रत्येक जनपद के अंदर में दो दो थानों का इंस्पेक्शन करना होता है नियम पर, जिसके अंदर में हम लोग सब चीज देखते हैं, बैरिक देखते हैं, थाना देखते हैं, कागज देखते हैं, मालखाना देखते हैं, सब चीज़ों की व्यवस्था देखी जाती है। इंस्पेक्शन का उद्देश्य ये होता है कि चीज़ों को करेक्टिव मेजर्स लेना। कई कमियां आपकी सभी व्यवस्था के अंदर में कुछ कुछ कमियां होती हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में उसको करेक्टिव मेजर्स लेना, वही इस इंस्पेक्शन का उद्देश्य होता है। सर, ठंडे के मौसम में आए दिन मतलब इसमें चोरियाँ ज़्यादा होती हैं, इसके लिए क्या आपकी? नहीं, आपकी बात सही है कि ठंडा के दिनों के अंदर में चोरियाँ बढ़ जाती हैं। इसके लिए लगभग एक महीना पूर्व ही हमने एक अभियान चलाया था, जिसके अंदर में जनपद के अंदर में गांव के पास में या टाउन के बाहर में कुछ डेरे बसे गए थे, उसका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। यहाँ पर गांव देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।